हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम करेंगे लोलिता बाय व्लादिमीर नाबोकोव इट्स अ वेरी फेमस नोवेल आई एम वेरी श्योर आप सब ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर तो नोवेल सबसे पहली दफ़ा 1955 में पब्लिश हुआ था जो व्लादिमिर नाबोकोव है वो एक रशियन अमेरिकन नावलिस्ट हैं नोवल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा था और सब्जेक्ट मैटर क्या है जो नोवल में हमारा प्रोटैगनिस्ट है और अनरिलाइबल नैरेटर भी है ही समबडी हु इज अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल जिसको वो सेक्सुअली मोलेस्ट भी करता है उसका स्टेप फादर उसका स्वतेला पिता बनने के बाद और ये जो लड़की है इसका नाम है डलोरस हेस ललिता ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ये उसको प्राइवेट में उसका निकनेम है डोलोरिस के लिए नॉवल को 1962 में एक फिल्म में भी अडेप्ट किया गया था जिसको स्टैनली कुब्रिक ने डायरेक्ट किया था कुब्रिक वाज अ वेरी वेरी फेमस डायरेक्टर इन हॉलीवुड ऑल राइट लेट स्टार्ट समरी ऑफ द नावल नाउ तो नॉवल स्टार्ट होता है एक फिक्शनल साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है जॉन रे जूनियर और वो बाकी का जो नॉवल है उसको इंट्रोड्यूस करता है वो एंड ही प्रजेंट्स इट एज अ केस स्टडी इन अब नॉर्मल साइकोलॉजी तो ये जो जॉन रे है ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो आगे का नॉर्वल है वो एक मर्डरर और एक सेक्सुअल परवर्ट ने लिखा था जो कि उस मैन्यूस्क्रिप्ट में खुद को हमबर्ट हम्बर्ट के नाम से रेफर करता है जो ऑथर है और जिस लड़की को उसने अपडक्ट किया था किडनेप किया था जिसका नाम ललिता था दोनों अब मर चुके हैं जो हम्बर्ट है ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक जब वो प्रिजन में जब वो जेल में अपने ट्रायल का वेट कर रहा था और जो ललिता है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान क्रिसमस डे पर शी डाइड देन कहता है कि दोनों की डेथ 1952 में हुई थी तो रे अपना जो फॉरवर्ड है वो क्लोज करता है राइटर जो है उस नॉवल का उसकी जीनियस की तारीफ करते हुए उसके एक्शंस को कंडेम करता है कि व्हाट ही डेड वाज नॉट राइट और बुक को रेकमेंड करता है एज अ वार्निंग एज अ केस स्टडी और एज अ गाइड ताकि एक एथिकल सोसाइटी को बनाया जा सके बिल्ड किया जा सके जो फॉरवर्ड है दैट इज डेटेड ऑगस्ट 5 1955 नाउ लाइक आई सेड ये आपका नॉवल स्टार्ट हो गया लेकिन नॉवल को उन्होंने प्रेजेंट इस तरीके से किया है कि ये जो जॉन रे है साइकोलॉजिस्ट ही इज अ फिक्शनल साइकोलॉजिस्ट और उसने पूरे नॉवल को इंट्रोड्यूस किया विद अ फॉरवर्ड फॉरवर्ड जैसे आप बुक्स में भी देखते हो तो आपने देखा होगा वहां पर सबसे पहले मेन बुक का जो कंटेंट स्टार्ट होता है उससे पहले प्रेफेस फॉरवर्ड वो सब रहते हैं तो यहाँ पर भी ये जो फॉरवर्ड उन्होंने दिया है और वो नॉवल का ही पार्ट है अब ये फॉरवर्ड खत्म होने के बाद जहाँ पर जॉन रे को जो बोलना था जो बताना था ही हैज टोल्ड यू ऑल दैट अब हम्बर्ट हम्बर्ट का जो नैरेटिव है जो स्टोरी है वो शुरू होती है अब हम्बर्ट जो उसका चाइल्डहुड जो उसका बचपन का प्यार था उससे स्टोरी स्टार्ट होती है जब हंबर्ट यंग था वो ले नाम की एक लड़की से मिला था एनाबिल होटल दोनों बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है आज इन हम्बर्ट और एनाबिल को और दोनों जने कोई तरीका ढूंढते हैं डेस्परेटली ताकि दे कैन हैव सेक्स बिना किसी को पता चले दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू सक्सीड लेकिन उनको डिस्कवर कर लिया जाता है हमबर्ट एनाबिल से कभी दोबारा नहीं मिलता और थोड़े टाइम बाद एनाबेल की डेथ हो जाती है टाइफॉइड से नाउ जब was a young adult, तो पेरिस में और लंडन में ही एजुकेशन नाउ जो हंबर्ट है प्लीज रिमेंबर नाउ प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड पीडो फाइल वेन टॉकिंग अबाउट लोलता बिकॉज जो हमारा ये है हमबर्ट ही पीडो फाइल कौन होता है पीडोफाइल वो इंसान होता है जिसको बच्चे अट्रैक्ट करते हैं सेक्सुअली इन अ सेक्शुअल वे सो दैट पर्सन इज अ पीडोफाइल फाइल जो है ही इज अ पीडोफाइल तो जो हमबर्ट है वो उसको वो यंग लड़कियां बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं बट वो अपनी इस अर्ज को रिप्रेस करता है और जो यंग लड़कियां उसको अट्रैक्टिव लगती हैं वो उनको निम्फेट्स करके बुलाता है निम्फ़ क्या होता है निम्फ़ अप्सरा को बोलते हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स को भी विजिट करता है ताकि जो उसकी ये इरोटिक अर्जिज हैं जो उसके ये सेक्सुअल अर्जिज हैं उनको वो पूरा कर सके ना जो हमबर्ट है उसको लगता है कि अगर वो शादी कर लेगा तो जो उसके Erotic, और ये जो 1935 सही से उनकी जिंदगी चल रही होती है पर चार साल के बाद वेलेरिया उसको मैक्सिमोविच के लिए छोड़कर चली जाती है मैक्सिमोविच एक रशियन टैक्सी ड्राइवर होता है तो जो हमबर्ट हम्बर्ट है वो अमेरिका चला जाता है क्योंकि वहां पर उसके जो एक अंकल होते हैं उन्होंने हंबर्ट को एक यरली स्टाइपेंड दिया होता है लेकिन कंडीशन ये रखी होती है कि उसको अमेरिका आना होगा और उसका जो बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट लेना होगा तो हम्बर्ट न्यूयॉर्क आ जाता है जहाँ पर वो एक यूनिवर्सिटी में काम करता है उसकी मेंटल हेल्थ दिन पे दिन खराब होती जाती है और काफी सालों के लिए सैनिटोरियम्स में रहता है वो तो जब वो सैनिटोरियम में होता है वहाँ पर वो साइकोथेरेपिस्ट को अपने रिसीव कर पाता है और इस चीज़ से उसको काफ़ी खुशी मिलती है अब 1947 में सैनिटोरीम से हमबर्ड को रिलीज़ किया जाता है और एंड देन ही मूव्स टू न्यू इंग्लैंड अब वो रामस्टेल नाम के शहर में रहता है एक फैमिली के साथ एंड दैट फैमिली इज़ द मैकूज अब जब उसे पता चलता है कि मेक्कूज की एक छोटी बेटी है तो वो काफ़ी एक्साइट होता है रिमेंबर ही इज़ अ पीड राइट तो जब वो उस शहर में पहुंचता है तो मिस्टर मैकू उसको इन्फॉर्म करते हैं कि जो उनका घर है दैट हैज़ बर्न डाउन तो हंबर्ट ने इनके साथ रहना इस फैमिली के साथ रहना अरेंज किया था रिमेंबर लेकिन अब वो वहां पर नहीं रुक पाता तो जो मिस्टर मेक् है वो उसका अरेंजमेंट करते हैं कि हमारे बदले इंस्टेड ही विल लिव विद हेज़ेस और ये जो हेज़ेस हैं वो एक माँ और बेटी हैं हेज़ेस इज द सेम वन जो डोलोरस हेज है रिमेम्बर जो हमारी लॉलेटा है नोवेल की शीज डोलोरस हेज और उसकी माँ शार्लट हेज तो जब हमबर्ट वहां पहुंचता है तो जो शार्लेट है वो हम्बर्ट को घर का टूर देती है घर दिखाती है उसको अपना घर वगैरह देख के वो ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता हम्बर्ट जो है डेकोर वगैरह से और उसको ये लगता है कि शार्लेट जो है शायद उसके साथ फ्लर्ट कर रही है तो हमबर्ट ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर ही लिया होता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा बट देन ऑल ऑफ अ सडन वो जो शार्लेट की बेटी है डोलोरस उसको देखता है जो कि सन बात ले रही होती है और डोलोरस को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है और उसे लगता है कि ये जो डोलोरस है ये एनाबेल का ही दूसरा जन्म है शी इज द री इंकारनेशन ऑफ दैट एनाबेल रिमेम्बर जो उसका बचपन का प्यार थी एनाबेल ले तो उसको लगता है कि ये उसी का री इनकारनेशन है जो डोलोरस है और इसलिए वो शार्लेट का ये जो ऑफर है उसके घर में रहने का ही टेक्स मूव इन तो हमबर्ट एक डायरी रखता है तो उस डायरी के अंदर वो ललिता के बारे में लिखता है रिमेम्बर अगेन जो ललिता है वो हमबर्ट ने डोलोरिस को निकनेम दिया है अपनी डायरीज में तो जब वो ललिता के बारे में अपनी डायरीज में लिखता है तो जो उसकी फैंटेसीज हैं उसको लेकर उन सब के बारे में वो लिखता है लोलता कॉन्स्टेंटली अपनी माँ से लड़ाई करती रहती है और उसकी माँ को लगता है कि ये जो लोलता है काफी स्पॉइल्ड है और बैडली बिहेव्ड चाइल्ड है मीनिंग शी इज अ ब्रैट अब शार्लेट हमेशा यही कोशिश करती रहती है कि कैसे कैसे लोलिता को पिक्चर से हटाया जा सके ताकि उसको हमबर्ट के साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करने को मिल सके बिकॉज शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट एन अफेयर विद हमबर्ट ऑल्सो मीन वाइल जो ललता है उसको भी हमबर्ट अच्छा लगने लगता है अब एक दिन हमबर्ट घर में ललता के साथ अकेला होता है तो जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तो वॉट ही डज इज के वो ललता के पैरों को यूज करता है टू मास्टबे थ्रू हिज ड्रेसिंग गाउन एंड ऑफकोर्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज ही इज वेरी हैप्पी अब शार्लेट लोलता को समर कैंप लेकर जाती है और उस समर कैंप को हम्बर्ट कैंप क्यू के नाम से रेफर करता है तो जाने से पहले लोलता उसकी तरफ भाग कर आती है उसको किस करने के लिए एंड दिस इज़ समथिंग जो कि हम्बर्ट क्लेम करता है वी डू नॉट नो दैट फॉर श्योर रिमेंबर इन द इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू दैट जो हम्बर्ट है ही इज़ एन अनरिलायबल नैरेटर तो जब दोनों माँ बेटी चली जाती हैं तो जो उनकी मेड है लुइस वो आती है और हम्बर्ट को एक नोट देती है नोट किया है वो शार्लेट की तरफ से हमबर्ट को लिखा गया लव लेटर जहाँ पर वो शार्लेट हम्बर्ट से भीख मांगती है कि या तो वो जल्द से जल्द शार्लेट से शादी कर ले जब जैसे ही वो वापस आती है या फिर वो वहां से चला जाए अब लेकिन जो हम्बर्ट है उसको तो ललिता के पास रुकना होता है तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शार्लेट से शादी कर लेगा तो जब शार्लेट वापस आती है दे बोथ गेट मैरिड तो अब एक दिन क्या होता है जो शार्लेट है वो तैरू होती है इन दी आर ग्लास लेक और वो को बताती है कि वो प्लान कर रही है कि वो ललता को बोर्डिंग स्कूल भेज देगी जैसे ही वो कैंप से वापस आएगी अब ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है उसने तो शादी इसलिए करी थी ताकि वो ललिता के नजदीक रह सके रिमेंबर एंड ही कीप्स ऑफ थिंकिंग वेज देन कि कैसे वो ललता को अपने पास रख सकता है हाउ कैन ही मेक हर स्टे नियर हिम नाउ एक दिन अब क्या होता है कि जो हम्बर्ट है वो बाहर गया होता है नींद की गोलियां ख़रीदने के लिए ताकि वो शार्लेट को और डलॉरस को गोलियां देकर ड्रग कर सके ताकि वो ललता को मलेस्ट कर पाए बिना उनमें से किसी को पता चले और जब वो बाहर होता है तो शार्लेट के हाथ हम्बर्ट की जो डायरी है वो लग जाती है तो जब वो वापस घर आता है तो शार्लेट उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है उसको मॉन्स्टर बुलाती है और स्ट्रीट्स में भाग जाती है बाहर अब जब वो बाहर होती है तो एक गाड़ी आती है एंड जो शार्लेट है शी मीट्स एन एक्सीडेंट एंड शी डाइज। अब जो हम्बर्ट है वो ये सोचने लगता है कि वो कैसे चीजों को अरेंज करे ताकि वो ललिता का गार्डियन बन सके तो जो उनके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जॉन एंड जीन फार्लो वो उनको कन्विंस करता है कि वो ललिता का असली पिता है कहता है कि उसका एज इन हम्बर्ट का और शार्लेट का काफ़ी पहले एक पुराना अफेयर था और ललिता का वही असली पिता है अब हम्बर्ट ललिता को कैंप समर कैंप से पिक करने जाता है और वहाँ पर वो उसको बताता है कि उसकी माँ बीमार है और उसे वो

अगेन ye manta hai ki summer camp में जाके वो corrupt हो गई है अब जब दोनों वापस हाईवे पे आते हैं तो ललता हम्बर्ट को थ्रेटन करना स्टार्ट करती है कि वो अपनी माँ को फोन करेगी या पुलिस को फोन करेगी और उन्हें सब कुछ बता देगी तो हम्बर्ट तब उसको बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है और अनाथ हुई ललिता के पास और कोई जगह नहीं है जाने की नाउ अगले दो साल हमबर्ट और ललिता दोनों रोड पे ही बिताते हैं कभी मोटेल में रुकते हैं कभी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन को विजिट करते हैं थ्रू आउट अमेरिका तो हमबर्ट ललिता के लिए एक फन फिल्ड सा शेड्यूल बनाता है ताकि वो ललिता को डिस्ट्रैक्ट कर सके कि उसके दिमाग में कोई भी ऐसे आइडियाज ना आए या ऐसी कोई इच्छा ना आए कि वो वहां से भागे उसको छोड़ कर जाए हम्बर्ट उसको थ्रेटन भी करता है कि अगर वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी एज एन ललता हम्बर्ट को पुलिस के हवाले अगर वो कर देगी तो अब क्योंकि वो अनाथ है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी बेकार से फॉस्टर होम में जाके उसको रहना पड़ेगा फॉस्टर होम यानी कि अनाथ आश्रम में नाउ अब इन द समर ऑफ नाइनटीन फोर्टी एट उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगते हैं दैट दे है वो डिसाइड करता है कि वो ललिता के साथ बियोजली नाम की जगह में रुकेगा जहाँ पर उसको उसका एक फ्रेंच फ्रेंच जिसका नाम गैस्टन गोदन होता है वो उसकी हेल्प कर पाएगा उसको जॉब दिलाने में एज अ लेक्चरार और वो ललिता को जो एक लोकल गर्ल्स स्कूल होता है वहाँ पर उसको ललिता को एनरोल कर देता है वो नाउ जो ललिता है वो अपने नए स्कूल में दोस्त बनाती है पर जो हेड मिस्ट्रेस होती है स्कूल की एक औरत जिसका नाम प्राट होता है उसको ये चिंता होती है कि शायद ललिता के घर का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है तो वो हमबर्ट हमबर्ट से अर्ज करती है कि ललिता को डेट्स पर जाने दे वो और उसको सोशलाइज करने दे वो और जो स्कूल में एक प्ले होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने दे तो अब जैसे जैसे प्ले के रिहर्सल्स शुरू होते हैं जो हमबर्ट का रिलेशनशिप है ललिता के साथ वो ख़राब होने लगता है हमबर्ट ललिता पर विश्वास नहीं करता और उसको ये चिंता रहती है कि जो कुछ भी हमबर्ट और ललिता के बीच में है वो उसने सब कुछ अपने एक दोस्त जिसका नाम मोना है उसको बता दिया है जब हमबर्ट को ये पता चलता है कि ललिता अपने पियानो लेसन नहीं ले रही तो दोनों का काफी झगड़ा होता है और ललिता घर से बाहर भाग जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ भी लेता है वो और उसको रियलाइज होता है कि जो ललिता का एटीट्यूड है वो बिल्कुल बदल गया है ललिता हम्बद से पूछती है कि क्या हम दोनों दोबारा से अब रोड पर जा सकते हैं पर ये भी कहती है कि अब की बार वो रूट चूज करेगी अब मई 1949 में वो दोनों दोबारा से एक क्रॉस कंट्री ट्रिप पे दे सेट आउट तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं हमबर्ट ही ग्रोज़ टू बी कंसर्न उसे लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है एक लाल गाड़ी में और जो उनको फॉलो कर रहा है ना उसको लगता है कि वो उसके अंकल की तरह दिखता है और ललता शायद उससे कम्युनिकेट करती है इस आदमी से जब हमबर्ट ध्यान नहीं दे रहा होता हमबर्ट को और ज़्यादा चिंता होने लगती है वो और ज़्यादा एंक्शियस होने लगता है और उसको लगता है कि ललता उससे भागने की कोशिश कर रही है उस आदमी के साथ जो उसको फॉलो कर रहा है इवेंचुअली वो खुद को ये कन्विंस करता है बोल के कि शायद वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है फालतू में परेशान हो रहा है इतना ज्यादा अब वो एक एल्फिनस्टोन नाम के टाउन में आते हैं जहाँ पर लौलता बीमार हो जाती है हमबर्ट उसको लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ पर वो काफी दिन रुकती है लौलता तो जब उसको वहाँ से लेकर जाने का टाइम आता है हंबर्ट ही इज़ हॉरिफाइड क्योंकि जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो उसको इन्फॉर्म करता है कि ललिता के अंकल उसको वहाँ से ले गए हैं हंबर्ट को ये रिलाइज़ होता है कि ललिता उस आदमी के साथ भाग गई है जो कि उनका पीछा कर रहा था अब जो हमबर्ट है वो ललता और उसका जो लवर है उसकी खोज में लग जाता है उन्हें ढूंढने लगता है और जिस आदमी के साथ ललता भागी थी ना उसको लगा था कि हमबर्ट कुछ ऐसा ही करेगा तो वो क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे वो रुके होते हैं उन मोटेल्स में मॉक करने वाले झूठे नाम वहाँ पर उसने रजिस्टर करे होते हैं तो हमबर्ट इस आदमी की चतुराई से क्लेवरनेस से काफी इम्प्रेस होता है और अल्टीमेटली वो उसको ट्रैक नहीं कर पाता उसको काफ़ी निराशा होती है और अल्टीमेटली उसके बाद वो अपना एक दो साल का रिलेशनशिप उसका स्टार्ट होता है एक औरत के साथ जिसका नाम रीटा होता है जो कि एक अल्कोहलिक होती है अब सितंबर 1952 में हम्बर्ट को एक चिट्ठी मिलती है ललिता की तरफ से उससे उसको पता चलता है कि उसने शादी कर ली है एक इंजीनियर से जिसका नाम डिक है और उसे पैसे चाहिए ताकि वो दोनों अलास्का मूव कर सके जहाँ पर डिक की नई जॉब है वो अपना एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देती लेकिन हंबर्ट उसको ढूंढने में कामयाब हो जाता है अपने साथ एक बंदूक लेकर आता है वो because he wants to kill her husband, जो कि कि उसको लगता है कि वही है वही आदमी जिसके साथ ललिता भागी थी अब ललिता दरवाजे पर हम्बर्ट को ग्रीट करती है बड़ी हो गई है ललिता प्रेगनेंट होती है वो एंड शी इज नो लॉन्गर अम्फेक्ट लेकिन हम्बर्ट अब भी उससे प्यार करता है जब हमबर्ट देखता है कि उसका हस्बैंड वो नहीं है जिसके साथ वो भागी थी तो वो डिसाइड करता है कि वो उसको नहीं मारेगा हमबर्ट ललिता को काफ़ी प्रेस करता है कि अपने उस लवर की आइडेंटिटी बताने के लिए जिसके साथ वो भागी थी हेजिटेट करते हुए वो उसको बता देती है बताती है कि इट वॉज़ क्लेयर क्विल्टी वो एक प्ले था जिसको उसकी माँ जानती थी और जिसके साथ वो रिहर्सल्स के दौरान शी रिकनेक्टेड विद हेम रिमेम्बर वो स्कूल के प्ले में उसने पार्ट किया था तो ड्यूरिंग दैट टाइम शी रिकनेक्टेड विद हिम लोलता को उससे प्यार हो गया था और वो उसके साथ भाग जाती है पर वो उसको छोड़ देती है जब क्लेयर क्या चाहता था कि ललिता उसकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी फिल्म्स में पार्ट करे आज इन जो क्लियर क्विल्टी था वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मूवीज बनाया करता था और वो चाहता था कि ललिता उनमें स्टार करे तो हमबर्ट लौलता को वो पैसे दे देता है जो उसने मांगे होते हैं और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ भाग चलो तो पहली बार ललिता ये देखती है कि जो उसका मोलेस्टर था और जो उसका फादर था वो रियली में उससे प्यार करता था एंड शी इज़ सरप्राइज एंड शी इज़ ऑल्सो टचड लेकिन उसको मना कर देती है वो हमबर्ट का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है हमबर्ट वापस राम्सडे आता है जैक विंड से मिलने के लिए ताकि वो जो हमबर्ट की प्रॉपर्टी है वो ललिता को ट्रांसफर कर सके हम्बर्ट की प्रॉपर्टी जो पहले शार्लेट की प्रॉपर्टी थी अब जो हम्बर्ट है वो रैमस्टेल से चला जाता है क्लेर क्विल्टी की खोज में तो रास्ते में उसको मॉरल अवेकनिंग होता है एक उसको रियलाइजेशन होता है कि उसने कितना बुरी तरीके से ललिता को हर्ट किया है दुख पहुंचाया है क्विल्टी को ढूंढने में वो कामयाब हो जाता है तो जब वो उसके वहां पर घर जाता है तो जो दरवाजा है वो खुला होता है अंदर चला जाता है हमबर्ट अपनी गन के साथ क्विल्टी को ढूंढते हुए जब वो उसको मिलता है तो हमबर्ट उसको थ्रेटन करता है दोनों पीडोफाइल्स होते हैं हमबर्ट भी और क्लेयर क्विल्टी भी बोथ और पीडोफाइल्स और दोनों की लड़ाई होती है एंड इट्स लाइक जो उनकी लड़ाई होती है उसको डिस्क्राइब किया गया है लाइक अ पैरडी जो हॉलीवुड फिल्म्स में लड़ाई होती है ना एंड में विलन की आप मूवीज में हिंदी मूवीज में भी अगर आप देखोगे तो जैसे मूवीज के अंदर विलन की और एक हीरो की ऑल्दो यहाँ पर हमबर्ट इज नो हीरो बट इज अ प्रोटेगनिस्ट तो जैसे उन दोनों की लड़ाई होती है ना तो वैसे वो सीन डिस्क्राइब किया गया है एंड इट्स लाइक अ पैरडी ऑफ द वेस्टर्न फिल्म फाइनली जो हमबर्ट है वो क्विल्टी को शूट करता है काफी दफा और वो मर जाता है हमबर्ट वहां से निकलता है तो वो ड्राइव कर रहा होता है हाईवे की गलत साइड पर और उसको वहां पर पुलिस रोक लेती है एंड ही वेट्स फॉर दी अरेस्ट एंड सो दिस इज वेयर एंड दिस इज हाउ द नोबल एंड्स अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो